हाँ, लोगों ने काफ़ी इस बार हमसे जो है ना इमदादी पैकेज बनवा के तकसीम किए हैं गरीबों में। उसकी वजह से काफ़ी मुनाफा हो गया, वहाँ काफ़ी माल बिक गया इस दफ़ा। तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि इमदादी पैकेज तैयार करके ना कोई थोड़ा बहुत गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। तो ऐसा है ना कि उस इमदादी पैकेज के लिए वो जो पीछे स्टोर में एक्सपायर माल पड़ा हुआ है ना, तो उसके पैकेज तैयार करके ला दें। हाँ, एक्सपायर माल के गरीबों को कौन सा कोई फ़र्क पड़ेगा, उनको राशन से मतलब है और हम लोग को अपनी वाह वाह से थोड़ी वाह वाह हो जाएगी महीने में। सही है, हाँ घर पहुँचा दे राशु। ओए राशु। जी साहब जी। यहाँ के दफ़ा होना। जी साहब जी। पहली दफ़ा आवाज़ पे आ जाए कर। साहब जी चाय बना रहा। अच्छा अच्छा चल ठीक है। और चल वो दुकान से अभी आएगा तो उसे ना सामान लेके रख ले। ठीक है साहब जी मैं रख लूँ। साहब जी के लिए खाना बनाना है। ओहो ये तो घी तो खत्म हो गया। चले ऐसा करता हूँ जो साहब जी ने पैकेज दिया है ना उसमें से निकाल लेता हूँ फिर और निकाल लूँ। हाँ जी क्या हो गया आपको डॉक्टर साहब? पता नहीं खाना खाया तो उसके बाद से उल्टी भी आ रही है, तबीयत भी बड़ी ख़राब है, पेट में दर्द हो रही है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ आपको। ओहो हो आपको तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्या खा लिया था डॉक्टर साहब? बाहर से तो कुछ नहीं खाया, घर में जो पका था वो वही खाना खाया बस। साहब जी मैंने तो ताज़ा खाना बनाया था, बाज़ार से सब्ज़ी भी मैं खुद लेके आया था ताज़ा और गोश्त भी मैं ताज़ा लेके आया था, सिर्फ वो घी का डब्बा जो है वो पैकेज वाले से जो आपने दिया था उसमें से निकाला था। क्या हेलो? हाँ यार वो जो इमदादी पैकेज में से पुराना माल निकाल डाला था ना वो सब निकाल दो, उसकी जगह नया साफ सुथरा माल डालो।